हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। और आज हम अपनी हिंदी वर्कबुक में वर्क करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है। देखिए अब हमें करना है पेज नंबर 28 और 29। पेज नंबर 28 फॉर क्लास वर्क एंड पेज नंबर 29 फॉर होमवर्क। सो लेट्स मूव ऑन द पेज नंबर 28 एंड 29। Here we have page number 28 and we have to mention today's date here and we have to put the tick on the class work. Okay, and on same as on page number 29, mention the date here and tick on the homework. So what we have to do in this page 28 and 29, we have to write O Oakley, O Odni, O O's. तो children, first हम अपने board पर सीखेंगे कि हमें O Oakley कैसे लिखना है। तो देखिए children, ये है O Oakley, O Odni, O O's। ओस से मतलब आपको समझ में आता है, ओस यानी कि छोटी सी पानी की बूंदे। आपने कभी देखा होगा ना अपने गार्डन में या टेरेस पर जो प्लांट्स होते हैं उन पर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं या पानी की बूंद होती है, उन्हें बोलते हैं ओस। तो ओस से क्या होता है, ओ ओखली, ओ ओढ़नी, ओढ़नी यानी दुपट्टा, और ओ ओस वाटर ड्रॉपलेट्स। तो आज हम ओ ओखली लिखना सीखेंगे। तो देखिए हमें कैसे लिखना है। आपको पता है ना हिंदी में हम फर्स्ट लाइन से लिखना शुरू नहीं करते, हम सेकंड लाइन से लिखते हैं ना। तो हमें सेकंड लाइन से लिखना है। तो हमें कैसे लिखना है, फर्स्ट राइट ओपन कर्व, अगेन जब हम ब्लू सेकंड ब्लू लाइन पे आएंगे फिर हम दूसरा एक लेफ्ट ओपन कर्व बनाएंगे, सॉरी लेफ्ट ओपन कर्व है ना। फिर पीछे इसके इन जहाँ इन दोनों का ज्वाइन है वहाँ पे हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, ओके। फिर एक स्टैंडिंग लाइन तीनों ब्लू लाइन को जोड़ते हुए और एक और स्टैंडिंग लाइन। अब ये आपने सीखा है ना, ये आम के जैसे लग रहा है। अब हमें क्या करना है, ओ ओखली में देखिए यहाँ पर ये मात्रा है ना, तो हमें ऐसी ही मात्रा यहाँ पर बनानी है। तो देखिए कैसे बनानी है, यहाँ से हम जो सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन है ना, यहाँ से हम अपवर्ड्स स्लैंड लेके जाएंगे और रेड लाइन को टच नहीं करना है, और यहाँ पे छोटा सा कर्व बना देंगे ऐसे। और आपको पता है ना हमें स्लीपिंग लाइन केवल स्टैंडिंग लाइन्स के ऊपर करनी है, ओ ओखली। फिर देखेंगे ब्लू लाइन से शुरू करना है, फर्स्ट लेफ्ट ओपन कर्व, सेकेंड लेफ्ट ओपन कर्व टच टू द ब्लू लाइन, अपवर्ड्स टच टू द मिड ब्लू लाइन, एंड स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, अनदर स्टैंडिंग लाइन, और आपको सेकेंड वाली स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही आपको सेकेंड वाली स्टैंडिंग लाइन से अपवर्ड्स लेके जाना है स्लैंड, और ब्लू रेड लाइन को टच करने से पहले ही आपको कर्व कर देना है लाइक दिस। और स्लीपिंग लाइन केवल स्टैंडिंग लाइन्स के ऊपर ही बनानी है, ठीक है। अगेन देखिए ओ ओढ़नी, लेफ्ट ओपन कर्व, दूसरा लेफ्ट ओपन कर्व, और इसको हम मिड वाली ब्लू लाइन तक लेके जाएंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन, और इसको हम सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन से अपवर्ड्स स्लैंड करके लेके जाएंगे, और यहाँ पे एक कर्व बना देंगे, और स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन केवल हमें स्टैंडिंग लाइन्स के ऊपर बनानी है, ओ ओस। फिर देखेंगे फर्स्ट लेफ्ट ओपन कर्व, सेकंड लेफ्ट ओपन कर्व, और इसको हम मिड वाली ब्लू लाइन तक लेके जाएंगे, और स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन, और सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन के को टच करते हुए हम स्लैंड डालेंगे और कर्व, और स्लीपिंग लाइन, ओ ओढ़नी, ओ ओखली, ओ ओढ़नी, ओ ओस। तो आपको ये ऐसे करना है। और अब हम
अपनी वर्कबुक पे करेंगे। देखिए चिल्ड्रन, ये हमारा पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रेस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेफ्ट ओपन कर्व हमें बहुत अच्छे से बनाना है इन डॉट को टच करते हुए, और स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टैंडिंग लाइन, और हमें सेकंड स्टैंडिंग लाइन के ऊपर से ही स्लैंट करके ले जाना है। और हमारी बुक वर्कबुक में कर्व नहीं है, बट हमें यहाँ पे छोटा सा कर्व करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ओ ओखली, आपको ये डॉट्स बहुत ध्यान से ज्वाइन करने हैं ना, लाइक दैट। और यहाँ पे कर्व भी बनाना है। स्लीपिंग लाइन आपको पता ही है ना, केवल हमें स्टैंडिंग लाइन्स के ऊपर ही बनानी है। अगेन देखेंगे, फर्स्ट लेफ्ट ओपन कर्व, सेकंड लेफ्ट ओपन कर्व, स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टैंडिंग लाइन, और हमें सेकंड स्टैंडिंग लाइन की टच करते हुए स्लैंट और कर्व और ऊपर स्लीपिंग लाइन। वो ओखली, और आपको इसकी कविता याद है ना, उसे ओखली मूसल संग रहती, चोट सहे पर कुछ ना कहती। और ऐसे ही आपको ये सब डॉट्स को ज्वाइन करके बनाना है। ओके, और आप जब भी मात्र लगाएंगे ना, तो इसको आप बहुत अच्छे से बनाएंगे। ओके, स्लैंट लेके जाएंगे आप वर्ड्स, और छोटा सा कर्व, और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही केवल हमें स्लीपिंग लाइन बनानी है। ओके, ओ ओखली, ओ ओढ़नी, और ओ ओस। अब हम सिंगल डॉट्स पे करेंगे ना, सिंगल डॉट्स पे देखिए कैसे करना है आपको। फर्स्ट लेफ्ट ओपन कर, सेकंड लेफ्ट ओपन कर, टच टू द मिड ब्लू लाइन, और स्लीपिंग लाइन स्मॉल, स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टैंडिंग लाइन, और सेकंड स्टैंडिंग लाइन से टच करते हुए अपवर्ड्स हमें लेके जाना है और एक कर्व बना देना है स्लैंट में। ये देखिए, ओ ओखली, ओ ओढ़नी, ओ ओस। ओ से ओखली मूसल संग रहती, चोट सहे पर कुछ ना कहती। अगेन देखेंगे, सिंगल डॉट्स पर आपको बहुत अच्छे से बनाना है। ओके, ओ ओखली, लेफ्ट ओपन कर्व, सेकंड लेफ्ट ओपन कर्व, स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टैंडिंग लाइन, और हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि आपको सेकंड स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही मात्रा डालनी है और स्लीपिंग लाइन। ओके, अब हम अपने आपको ये वाले पेज नंबर 28 इसको कंप्लीट करना है ऐसे ही। अब हम पेज नंबर 29 पर चलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 29, फर्स्ट हम इसको ट्रेस करेंगे, और ट्रेस करते समय आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ओ ओढ़नी, ओ ओखली, चिल्ड्रन, ओ ओस। हमने इसको ट्रेस कर लिया है, अब हम सिंगल डॉट पे लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेफ्ट ओपन कर्व, सेकंड लेफ्ट ओपन कर्व, टच टू द मिड ब्लू लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टैंडिंग लाइन, और सेकंड स्टैंडिंग लाइन से ही ज्वाइन करते हुए हमें स्लैंट करके ऊपर कर्व बनाना है, और स्लीपिंग लाइन केवल हमें स्टैंडिंग लाइन के ऊपर बनानी है। ओ ओखली, ओ ओढ़नी, ओ ओस। ओके, आपको भूलते भी जाना है, कैसे बोलेंगे, फर्स्ट लेफ्ट ओपन कर्व, सेकंड लेफ्ट ओपन कर्व, टच टू द मिड ब्लू लाइन, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टैंडिंग लाइन, और सेकंड स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही स्लैंट करते हुए कर्व और स्लीपिंग लाइन। ओ ओखली, ओ ओढ़नी, ओ
ओस, ओके, ओ ओखली, ओ ओढ़नी, ओ ओस। और चिल्ड्रन, आपको इसी तरीके से पूरा पेज कंप्लीट करना है। वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लियर हैंड राइटिंग में। ओके, बाय बाय।